मुन्ना कहाँ जा रहे हैं? अरे पापा वो इलेक्शन आ रहा है, उसी के काम से हम जा रहे हैं। बढ़िया है, तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, ये जेब में लाइटर लेके काहे घूम रहे हो? देखिए पिताजी, बात कुछ ऐसी है ना कि सिगरेट की आदत तो हमने पूरी छोड़ ही दी है आपको भी मालूम है, पर ये जो धमाका करने की आदत है ना वो हमसे छूटती नहीं, इसलिए ये जो लाइटर है ना हम जेब में लिए घूमते हैं। बढ़िया है, वहाँ गुड्डू तुम्हारी बंदूक डाल के धमाका करके चला जाएगा, तुम लाइटर जलाते रहना, तुम लाइटर जलाते रहना। अबे ये दिन दिखाने के लिए हमने तुमको घोड़ा दिया है। देखिए पापा, हमारे पास घोड़ा है, सब कुछ है, आप फिर से मेरे साथ बहस बाज मत कीजिए। देखो मुन्ना, एक बात याद रखो, घोड़ा और दिमाग हर किसी के पास होता है, पर दो चीज़ों को चलाना आना चाहिए। अगर तुम्हें चलाना आ गया तो तुम मिर्ज़ापुर की गद्दी पे राज करोगे। हेलो मेरे भैरून की बहनों, आप सभी का स्वागत है उड़ता फिरता फिल्म रिव्यू शो में। तो आज मैं वेब सीरीज रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब कि मिर्ज़ापुर। देखो मिर्ज़ापुर का मैं वन वर्ड रिव्यू नहीं दे सकता, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने ट्रेलर पर रिएक्शन दिया था मिर्ज़ापुर के ट्रेलर पर, तब मैंने कहा था कि यार ट्रेलर ने गरम करके ठंडा छोड़ दिया। पर जब मैंने ये वेब सीरीज देखनी चालू की तो पहले 1-2-3 एपिसोड इतना गरम किया, बाद में मैंने एक्सपेक्ट की कि अब होगा अंगार, पर अंगार नहीं निकला, थोड़ा ठंडा गरम होता रहा और पूरी वेब सीरीज ख़त्म हो गई। पर यह वेब सीरीज अंगार नहीं है, पर ऐसा मत समझना कि ये वेब सीरीज बंगार है। एक्चुअली ये वेब सीरीज में प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फर्स्ट सीजन जैसा इसमें क्राइम थ्रिलर ड्रामा और वायोलेंस से भरपूर वेब सीरीज होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 90% राजनीति माहौल बताया गया है, पॉलिटिकल माहौल, फिर वो त्रिपाठी परिवार का कुछ मामला हो या फिर मिर्ज़ापुर का मामला हो या फिर यूपी का मामला हो, राजनीति पे बहुत फोकस किया गया है। सो इसमें वायोलेंस और ये सब क्राइम ड्रामा है तो बिल्कुल इतना पोर्शन नहीं है, बट 10% ही पोर्शन है। वेब सीरीज में मुझे क्या अच्छा लगा इसकी बात करूँ तो सबसे मुझे अच्छा लगा कि जब भी त्रिपाठी फैमिली है उनको बताया जाता है ऑन स्क्रीन, रियली मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है। और जब भी पंकज त्रिपाठी ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं आपके चेहरे पर स्माइल बनी रहती है। मैं तो यही मानता हूँ कि ये पूरी वेब सीरीज पंकज त्रिपाठी के कंधों पर है, पूरी वेब सीरीज। और दूसरी बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा विजय वर्मा का रोल, उन्होंने जो रोल प्ले किए, मैं कुछ सस्पेंस रिवील नहीं करूँगा, काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किए और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर निभाए। और प्रियांशु जो है उनकी ये मे बी थर्ड टाइम मैं देख रहा हूँ, उनको और फिल्म मिलनी चाहिए, ये दो एक्टर उनको और फिल्म मिलनी चाहिए। तो मिर्ज़ापुर के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो हम ये एक्सपेक्टेशन करके मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखना चालू करते हैं कि मुन्ना भैया और गुड्डू भैया के बीच में जो इंट्रैक्शन है, रिवेंज ड्रामा है, वो चलता रहे। पर ये वेब सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है कि हर कैरेक्टर पे फोकस देना पड़ता है ये डायरेक्टर को, इसलिए हमें गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा पर बहुत कम देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज पीछे जाते जाते काफ़ी खींची खींची सी महसूस होगी आपको, ये वेब सीरीज का ये मेन नेगेटिव पॉइंट है। आप सब जानना चाहते होंगे कि क्लाइमेक्स कैसा है, तो क्लाइमेक्स की मैं बात करूं तो लास्ट मिर्ज़ापुर सीरीज में जो क्लाइमेक्स था वो बहुत डिस्टर्बिंग था, ये क्लाइमेक्स इतना डिस्टर्बिंग नहीं है। पर क्लाइमेक्स और अच्छा बना सकते थे, पर यार अच्छा बनाया नहीं गया ऐसा भी नहीं कह सकते, क्लाइमेक्स इज ओके है। पर ये वेब सीरीज जब मैंने चालू की और जब ख़त्म होने आई थी और क्लाइमेक्स में मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इंसान मरना नहीं चाहिए, यही है मिर्ज़ापुर का
गद्दी के लायक आदमी, तो वो कौन मैंने सोचा है वो सब मैं बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो एक सस्पेंस रिवील हो जाएगा। तो उसको गोली लगती है पर वो बच जाता है। अब आप ये वेब सीरीज़ देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो ये वेब सीरीज़ को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं एंड में स्टार मेरा रिव्यू दूंगा। तो लेट्स चेक इट आउट ऑन माय रिव्यू मीटर कि ये वेब सीरीज़ को मैं कितने मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 5। लेट्स चेक इट आउट ऑन रिव्यू मीटर। ओके, गो अप गो अप। भाई ये रिव्यू मीटर मैं लाया हूँ, ऐसा कोई रिव्यूअर नहीं रहा था। ओके दोस्तों, तो हमारे रिव्यू मीटर ने रिव्यू दे दिया है, आई गिव अ 3 स्टार आउट ऑफ 5। मीन्स इट्स अ गुड वेब सीरीज। और आपको ऐसे टाइप के टी शर्ट्स प्रिंटेड करवाने हो तो लिंक में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे DM कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट वॉट यू वॉन्ट। सो दिस माई ओपिनियन अबाउट मिर्जापुर वेब सीरीज, व्हाट्स योर ओपिनियन? और मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। दिस तपन ओकाना सैनिक ऑफ फ्रॉम उड़ता फिरता, यूं उड़ते रहेंगे फिरते रहेंगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।